आपको गेस करना है कि ये क्या है। पानी गर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करने का किट है। ये ब्रेस्ट से मिल्क निकालने के लिए। अरे ये ना, इससे ना बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स रिलैक्स फील होता है, चेहरे पे घुमाओ। कॉन्डम। ये वो आईलैशेस को ऐसे सेट करके, वो ये ऐसे ऐसे वो प्रैक्टिस करने का कुछ कोई आइडिया नहीं है। ये ऐसे लग रहा है छोटे बेबी के लिए वो हुम्पर्स जैसे कुछ बनाते हैं। ये क्या है, कुछ क्लिप लिप टाइप की चीज होगी, आई हैव नो आइडिया। ये इसके लिए होता है ना, ये मतलब लगाते क्या बोलते सर, मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं, रूफ। हंसो मत। ये ऐसे ना, जब कोई जानू जिगर टाइप का लौंडा अपनी पार्टनर को मिस कर रहा होगा ना, तो उसने बहुत सारे दिल बना दिए होंगे, इसके बीच में हम शोर कुछ चमचे फंसा सकते होंगे। ये आपका गुड लक है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब कहाँ से लाए हो ये सब? मुझे तो पता ही है क्योंकि मैंने ये फोटो निकाली है। तो पकड़ बनाने के लिए है या ये जो? किस किस चीज पे पकड़ बनाने के लिए? हाय, मैं हूँ प्रतीक्षा, आप देख रहे हैं ऑड नारी की स्पेशल सीरीज म्याऊ, जिसे आप रोज देखते हैं। मैं स्टूडियो से शूट करती हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट सा लग रहा है, कॉशन ग्लास डोर लिखा है। एक आदमी के सर पे चोट लगने की भी ऐसी मुझे इसमें यहाँ पे फिगर बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये शायद इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ भिड़ते होंगे आकर। थैंकफुली ये दरवाज़ा मुझे हमेशा खुला मिला है। तो ये वो कमरा है जहाँ पे हमारी ललन टॉप प्लस ऑर्डिनरी की टीम, ऑर्डिनरी जो कि ललन टॉप का ही जेंडर वर्टिकल है, हम यहाँ पर बैठते हैं और हम आज अंदर जाने वाले हैं। आज ये हमारा म्याऊ का एपिसोड हम स्टूडियो से शूट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज इसमें मैं अपने कुछ टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। वो टीम मेंबर्स जिनके साथ हम लोग सुबह शाम दिन रात काम करते हैं, उसमें कुछ लोग कॉपीज़ लिखते हैं, कुछ लोग वीडियोज़ एडिट करते हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, कुछ लोग कैमरा हैंडल करते हैं। और हम आज उन सबसे बात करेंगे। हम उनको क्या करेंगे कि हम कुछ उन्हें प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो या तो औरतें ही यूज़ करती हैं या तो दोनों ही लोग यूज़ करते हैं, औरतें और पुरुष, लेकिन उसे माना ऐसा जाता है कि ये फेमिनिन यानी औरतों के प्रोडक्ट्स हैं। तो हम जाएंगे अपने टीममेट्स के पास, लड़कों के पास, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत काम कर रहे हैं। तो हम जाएंगे उनके पास और उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि प्रोडक्ट्स उनको दिखाते हुए कि ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और देखते हैं कि हमें किस तरह के जवाब उनसे मिलते हैं। चलिए, ये हाँ माइक अपने पास रखिएगा। नाम नहीं पता लेकिन ये बैठने के लिए छोटा सा सोफा जैसा कुछ है। ये भी नहीं पता लेकिन ये बच्चों को कुछ पहनाने का लग रहा है। तो या तो ये पूफ जैसी कुछ इसको कहते हैं, इस पे बैठा जाता है या फिर ये नहाने के बाद सिर पे लगाया जाता है। नहाते समय बाल आपके ना भीगे तो सर पे लगाते हैं ना, वो कैप है। ये तो कुशन कवर भी हो सकता है और ये सर पे लगाने वाला भी हो सकता है ऐसे। ये तो यार वो लग रहा है कुशन टाइप, जो छोटे मूढ़े टाइप नहीं होते उस टाइप का, या फिर अगर वो भी हो सकता है जो बाल बांध के सर पे नहाने के लिए जाते हैं कि बाल गीले ना हो, कुछ फैंसी टाइप का हो। ये शायद सर पे पहनने के लिए नहाते हो। ये तो पता है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। ये तो प्रेगनेंसी वाली किट है शायद। ये प्रेगनेंसी वो है किट। ये तो प्रेगनेंसी टेस्टिंग की किट है। हाँ ये तो पता है, वो प्रेगनेंसी टेस्ट का किट है। ये ऐसे लग रहा है छोटे बेबी के लिए वो हुम्पर्स जैसे कुछ बनाते हैं, वो है। हुम्पर से कच्चा शब्द है। अब नहीं, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो मुझे उतना अंदाजा है नहीं। नहीं पता इसका। ये क्या है? क्या बच्चों को वो पहना देते हैं कि गीला वीला या सर्दी ना लगे, ऐसा कुछ? ये तो बच्चों का कुछ नहीं, नहीं नहीं, बच्चों का कैसे होगा? ये तो कुछ वो वाले जो पैड वाले चीजें आती है ना, वैसा कुछ है। आजकल इस तरह के पैड आ रहे हैं जो दोबारा यूज सकते हैं। आई एम नॉट श्योर ये है कि नहीं, क्योंकि इसमें मुझे कुछ कुशन वाला स्टफ नहीं दिख रहा है, पर इस तरह के पैड आते हैं आजकल जो यूज हो सकते हैं। ये क्या है? नहीं, ये खाना गर्म रखने के लिए या चावल पकाने के लिए कुछ ऐसा होगा, चावल पकाने टाइप्स लग रहा है मुझको। ये स्टरलाइज करने वाला कुछ होगा आई गेस, आई एम नॉट श्योर। पढ़ने में नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है। ब्रांड नेम है भाई। हाँ, मेरे को लगा शायद ही। ये नहीं समझ आ रहा। ये खाना गर्म करने के लिए। खाना गर्म करने के लिए ये राइस कुकर होना चाहिए। डोले सोले बनाने का आइटम है।
ये तो कुछ मसाज वसाज टाइप करने वाला लग रहा है। ये क्या है भाई, ये ऐसी ऐसे वो प्रैक्टिस करने का कुछ समथिंग क्या है ये? अरे ये ना, इससे ना बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स रिलैक्स सा फील होता है, चेहरे पे घुमाओ, इसको फ्रिज में रखते हैं, ये मेरे घर में भी है। तो कहाँ से लाए हो ये सब? इससे चेहरे पे मसाज देते हैं, है ना? नहीं नहीं, मैंने देखा, मेरी फ्रेंड के पास है ना। यार ये वो कुछ सेक्स टॉय टाइप लग रहा है। ये शायद वो है, पीरियड्स पे यूज करते हैं। कैसे कैसे वो तो लड़कियाँ करती हैं। ये टैम्पॉन्स। ये तो टैम्पून है। ये तो टैम्पून है। इसको यदि मैं सही हूँ तो शायद टैम्पून्स बोलते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ब्रश है जिससे मैं अपने जो मेरे कुत्ता लाल जी हैं उनके दांत साफ करता हूँ। ये शायद बाल में लगाते हैं कर्ल करने के लिए। छिलनी है ये, छिलनी है ये तो। ये इसमें कुछ ऐसी दंतुरित तटरेखा बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे बाल वाल रिमूव करने वाला टाइप का कुछ होगा। दंतुरित तटरेखा, रेखा होती है ना ऐसे, वो जो ऐसे ऐसे। इंटरेस्टिंग। क्या ब्रश है ये? फैंसी ब्रश लग रहा है थोड़ा, जिसमें बाल वाल अटक जाए तो। लेकिन इसके ये जो मुंह है बहुत छोटे छोटे हैं। ये शायद आप लोग जो रबर वो लगाते हैं बालों में, ये तो लूफा। ये तो लूफा, लूफा क्या है ये? वही लूफा लूफा समथिंग। हाँ, ये तो वो है बर्तन साफ करने वाला। बाल बांधने वाला लगा लेते हैं। ठीक ठीक, वैसे लूफा भी हो सकता है। ये दो तीन चीजें, मतलब जैसे बर्तन धोने के लिए भी हो सकता है, और एक ही चीज से दो तीन काम कर सकते हैं। हाँ, ना भी सकते हैं इससे, बर्तन भी धो लो, खुद को भी धो लो, खुद को भी धो लो। ऐसे नहीं समझ आ रहा, लेकिन यदि टेक्निकल भाषा में देखें तो ऐसे लगता है जो रबर के पाइप होते हैं उनको यदि अच्छे से पैक करना हो तो उसमें काम आएंगे। अब इसको कौन पहचान पाएगा? मतलब ये तो गजब ही है। देखी हुई चीज है ये, कहाँ लगाते हैं ऐसे? टीवी रिमोट पे लगाने को भी होता है? नहीं 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 यार, ये बहुत सही चीज है। टीवी के रिमोट पे लगाते हैं इसको? टीवी के रिमोट पे नहीं लगाते हैं ये, या तो ये पकड़ बनाने के लिए है, या ये जो किस किस चीज पे पकड़ बनाने के लिए? कुछ भी ऐसा बार लीवर टाइप को, उस चीज पे, या तो ये पकड़ बनाने के लिए। ये है किससे रिलेटेड, ये किस चीज की अपन बात कर रहे हैं? या ये है कंघी? नहीं, कंघी जैसा। हाँ, ये वो है, वो जब सिर में ऐसे वो करते हैं ना, कर्ल कराते हैं तब ये लगाते हैं। ये क्या है, कुछ क्लिप लिप टाइप की चीज़ होगी, आई हैव नो आइडिया। अरे इससे ना वो बालों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, लच्छेदार बनाते हैं, वो जो फंसा के रखते हैं, शायद ये वो है शायद। रूलर। हाँ हाँ, अब आप जो कुछ कहते हो। ये मतलब ऐसे वो होते थे बचपन में, 5 रुपए का पैकेट मिलता था जिसमें वो लेस वगैरह टाइप का होता था ना, ये वैसा कुछ लग रहा है। बट ये खाने का नहीं है तो प्लास्टिक का कुछ है, नया फैंसी टॉय होगा बेसिकली। ये सारे टॉयज हैं, कुछ फैंसी हैं, कुछ नॉन फैंसी हैं। नई माँ होती हैं वो बच्चों के लिए जो दूध निकालती हैं। ये ब्रेस्ट से मिल्क निकालने के लिए। ये तो नेबुलाइजर जैसे कुछ लग रहा है। अरे यार ये क्या लग रहा है, ये वो तो नहीं है जो मम्मियाँ ब्रेस्ट फीड करती हैं तो उनको अपने बच्चे को बाद में दूध पिलाना हो, लेकिन उनको कहीं जाना हो तो पता नहीं, शक्ल से वैसा लग रहा है। क्या पानी वानी गर्म करना या दूध गर्म, जैसे ये मैंने कुछ सर के सुन लिए थे जो सर ने आंसर दिए, तो ये शायद ये वो दूध गर्म करने वाला हो सकता है। हाँ, पंकज की शादी होने वाली है, इससे जरूर पूछना। अभी पूछते हैं। ये वो सर ने बताया था वो दूध निकालने के लिए। शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब भाई। ये तो हाँ, ये वही होगा, वो निप स्टिकर जैसा कुछ होगा ये, ऐसे कि मतलब ये ऐसा होता है कि अगर आपको ब्रा नहीं पहननी है तो आप वहाँ पे निप्पल्स पे लगा सकते हैं। और ये तो निप्पल प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारी आपकी ब्रा वैसी होती हैं जिसमें वो पतली सी होती हैं कॉटन वॉटन की, और आपने सूट वूट पहन रखा होता है। ये तो ऐसे ब्लैक एंड वाइट हम वो बनाते हैं लूमा मैट हमारे आफ्टरवेट्स में, वैसा कुछ लग रहा है, ब्लैक और वाइट कलर का कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ। ये भी इल्यूजन सा लग रहा है मेरे को, तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ये क्या है? अरे यार पता नहीं, कुछ बड़ा गुदगुदा सा गोलू पोलू सा लग रहा है, नो आइडिया। ये वो शायद मेकअप का वो सेट करते हैं, वो है ये? ये वो है, क्या कहते हैं, रूफ। हंसो मत, हंसो मत। ये मेकअप लगाने के लिए है। अरे मेरे को पता है इसका। हाँ ये मैंने देखा, तो तुम्हारे पास ही देखा था ये वो है ना,
जो मेकअप करते हैं तो उसको करके ऐसा कुछ है ना, वही है ना? आ, ये बोलना है? हाँ, क्यों नहीं बोलना? हाँ, यहाँ तो सब बोल सकते हैं। अब मैं वैसे बिहेव कर रहा हूँ जैसे अक्षय कुमार के एड में होता है, बताने में शर्म आती है, इसको कॉन्डोम बोलते हैं। कॉन्डोम? ये तो कॉन्डोम है, ये इट्स कॉन्डोम। मतलब ये दो तरह के कॉन्डोम हो सकते हैं, या तो ये यूज कॉन्डोम है, या फिर ये जो वजाइना में इंसर्ट करते हैं वो वाला कॉन्डोम है। ये कॉपर टी है क्या? ये तो पता नहीं। कॉपर टी? कॉपर टी ये शायद मेरे ख्याल से कान में से वो निकालते ना। हाँ सर, वो लग रहा है मेरे को, है ना सर? बढ़िया बढ़िया। हाँ शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, लड़कियों के कान का मैल है ना, भी हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चुप जाता है। ये तो कन खुदनी जैसा लग रहा है कुछ ऐसा। हाँ ये वही होगा, ये वो बैग हेड्स निकालने के लिए। सर वो माइक पे बोलो, बहुत दर्द होता है तो ऐसे गड़ा के एकदम ऐसे करके निकालते हैं। ये आईब्रो सेट करने के लिए है। हाँ हाँ, ये आंखों को ऐसे ऐसे सुंदर बनाने के लिए। हाँ ये पता है ब्रो, ये वो आईलैशेस को ऐसे सेट करके वो इनको शेप देने के लिए यूज किया जाता है ना, एब्रो से ना वो सेट करते हैं गरम। कौन से ने बताया तुम्हें? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वो मौका नहीं आया सर, वो शादी के बाद। वो मतलब ऐसे कुछ एकदम स्टाइलिश टाइप हो जाती है ना, पग गर्म। हाँ वो अरे सॉरी सॉरी आईलैश। ये क्या मेकअप से जुड़ी चीज है या कैसी चीज है? नहीं ये इसमें हिंट नहीं दे सकते। तब ये बालों का होगा कुछ, बालों का कुछ होगा, ये बाल सेट करने के लिए। लास्ट था ये ऐसे ना, जब कोई जानू जिगर टाइप का लौंडा अपनी पार्टनर को मिस कर रहा होगा ना, तो उसने बहुत सारे दिल बना दिए होंगे, इसके बीच में हम शोर कुछ चमचे हमचे फंसा सकते होंगे। ये आपका गुड लक है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। घर में कुकीज़ वगैरह बनाते हैं तो उनकी शेप होता नहीं, भिगो के रखो फिर वो फ्रिज में सेट हो जाएगा, तो सही है कुकी वाला टाइप। मतलब कुछ भी कुकी हो या कोई भी चीज़ बनानी, आई डोंट नो, ये नहीं पता। ये जो भी गेस करेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगी। This is open for everybody. लेकिन लड़कियों के पास मैं लास्ट में जाऊंगी। है ना? कुकीज़ टाइप की लग रही है ना? यही बोल रहा था। माइक पास। ये बोल रहा है कुकीज़ लग रही हैं। बच्चों की कुकीज़ जो होती है उस टाइप से लग रहा है। नहीं घर में कुकी बनाने के लिए जो होता है ना, एक जो खांचा नहीं होता घर में कुकी बनाने के लिए, उस टाइप का कि उसको क्या है? तुम बताओ क्या है, तुम बताओ। एक किसी लड़की से भी पूछ लेते हैं। मुझे तो पता ही है क्योंकि मैंने ये फोटो निकाली है, तो मैं तो नहीं। ये कुछ हेयर क्लिप जैसा कुछ ऐसा तो नहीं? ये मैं बता देती हूँ फाइनली, ये टो सेपरेटर है। तो जब आप जब पाँव में हाथ में नेल पॉलिश लगाते हैं, फिंगर्स या टो सेपरेटर, तो इनको ऐसे खांचे में फंसा लेते हैं इसमें, तो आपकी उंगलियां जो है वो अलग अलग हो जाती हैं और आपस में। अब इतना हाई भाई हमारे यहाँ नहीं होता है, ये कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ सिलेबस हुआ है। ये 7 करोड़ टाइप का। अरे मेरे ऊपर क्यों चीख रहे हो? मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, ये मार्केट में आता है, मेरा काम सिर्फ पूछना है। सो दिस इज ऑल द प्रोडक्ट्स एंड आई होप सबको मज़ा आया होगा। हम ऐसे ही दूसरे वीडियोस के साथ आते रहेंगे, और हम अभी तो हम लड़कों को लेके आए, हम कोशिश करेंगे हम लड़कियों को भी लेके आए बहुत सारे इसी तरह के फन वीडियोस। आप देखते रहिए ऑर्डिनरी, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजते रहिए। शुक्रिया, मंडे को फिर से मिलेंगे। बाय बाय।